अपडेट रही हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पक्षर आपण मानकर समस्त गवर्नमेंट कॉलेज रे राज्य रे जिते सारा गवर्नमेंट कॉलेज रही समस्त गवर्नमेंट कॉलेज रे गेस्ट फैकल्टी अपॉइंटमेंट को नहीं वर्तमान समय अपडेट रही तेणु ध्यान देबे समस्त कैंडिडेट विशेषकर इंटरेस्टेड थिबा इच्छुक थिबा छात्र छात्री माने जो माने एमए कंप्लीट कर सारी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सारी मास्टर डिग्री रे 55% मार्क एग्रीगेट रखी वर्तमान समय इंटरेस्टेड अच्छा गेस्ट फैकल्टी हिसाब से आपने क्यारिययर आरंभ करने तेज आपंपाई समस्त अपडेट रही तेज एठार आप देखिपे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पक्षर जो नोटिफिकेशन टी आठ स्पष्ट कर जो गेस्ट फैकल्टी अपॉइंटमेंट कर समस्त गवर्नमेंट कॉलेज मानक जहाँकि एकाडेमिक ईयर 2022-23 2023-24 भाव आपण मान दुई वर्ष जहाँकि टेम्पोरारी भाव आपण दुई वर्ष गेस्ट फैकल्टी अपॉइंट अर्थात लेक्चर भाव दुई वर्ष कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर भाव आपण मैंने पाठ पढ़ाई पारे ए गवर्नमेंट कॉलेज पक्ष अपॉइंटमेंट मिल तेज एथपाई जहाँ अपडेट रही देखि पाते जो नोटिफिकेशन टी रही नोटिफिकेशन स्पष्ट करो टाइम पीरियड आपटे देखिपे जहाँकि स्पष्ट कर समस्त गवर्नमेंट कॉलेज जिते सारा गवर्नमेंट कॉलेज रही समस्त गवर्नमेंट कॉलेज गेस्ट फैकल्टी अपॉइंटमेंट कर लास्ट डेट रही 31 अगस्त पर्यंत जदि कह मस 31 पर्यंत रही लास्ट डेट यार भितर राज्य में जिते सारा कॉलेज रही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज समस्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गेस्ट फैकल्टी अर्थात लेक्चर मैंने अपॉइंट हे तेज यार प्रोसेस कौन रही आम डिस्कसन करवा तेज एटर जाणी रखु आपर जो अपॉइंटमेंट रही दुई वर्ष रही देखिपे स्टार्टिंग डेट आपण रही 1 सेप्टेम्बर 2022 रु 31 अगस्त 2024 पर्यंत यही दुई वर्ष आपण मानक रही जहाँकि समय सीमा यही समय सीमा मध्य गेस्ट फैकल्टी रही है जहाँकि आपटे अपॉइंटमेंट पाइबे से दुई वर्ष भाव टेम्पोरारी भाव जहाँकि पढ़ाई पारे छात्र छात्री मान तेबर जी डिस्कसन करवा गेस्ट फैकल्टी कौन रही संपूर्ण प्रोसेस आपटे देखिपे एटार स्पष्ट कर समस्त इनट्यूशन मानक जो आपर गवर्नमेंट डिग्री कलेज रही है जो गेस्ट फैकल्टी मैंने अपॉइंटमेंट कर रेशियो एटार स्पष्ट कर यूजी अर्थात प्लस थ्री छात्र छात्री मान को पढ़ाई समस्त कॉलेज मानक जहाँकि आपण रेशियो रही देखिपे 1:25 अर्थात आपण 25 जन छात्र को जन गेस्ट फैकल्टी रे ये बेसिक्रे जितोटी सीट भैकान्सी थी जो कॉलेज से ही कॉलेज मैंने जहाँकि नोटिफिकेशन बाहर आपर अपॉइंटमेंट देते अर्थात लेक्चर भाव गेस्ट फैकल्टी अपॉइंटमेंट देते यापर जी पीजी कथ कह तेज पीजी रेशियो आपड़ देखिपे 1:15 अर्थात 15 जन छात्र जन शिक्षक रे तेज से ही भाव जो कॉलेज शिक्षक वर्तमान समय फांका थी भैकान्सी थी सेटर आपंटमेंट जहाँकि नोटिफिकेशन आसपर आपंटमेंट दिजिव गेस्ट फैकल्टी हिसाब से जहाँकि दुई वर्ष तेज यही भाव आपण रेसीो रही आउ थे कही रखुचु यूजी आपर जो कॉलेज जिते जन छात्र थे प्रति 25 जन छात्र जन गेस्ट फैकल्टी रे अर्थात जन शिक्षक रे पिजी 15 जन छात्र जन शिक्षक गेस्ट फैकल्टी रे यही भाव डिपेंड करे प्रत्येक कॉलेज पर प्रत्येक कॉलेज केते सीट रही केते छात्र छात्री एडमिशन रही आपर केते लेक्चर रही डिपेंड करी जदि कौन लेक्चर आवश्यकता पड़ू तेज से ही कॉलेज जहाँकि आपर गेस्ट फैकल्टी नोटिफिकेशन रिलीज कर अप्लाई कर गेस्ट फैकल्टी हिसाब से आपर अपॉइंटमेंट पाइपर जहाँकि दुई वर्ष संपूर्ण भाव आपर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिक्रे तेज यापर जी आम देखा आपर जो गेस्ट फैकल्टी संपूर्ण प्रोसेस रही आम जो भाव एटार आपको इनफर्मेसन प्रोवाइड कलु तेज सर्वप्रथमे तो आपने जाणी रखु जदि कौन कॉलेज गेस्ट फैकल्टी आवश्यकता पड़ू और से ही कॉलेज कौन रिटायर्ड गवर्नमेंट कॉलेज टीचर अच्छा जहाँ बयस 65 वर्ष रु कम हो तेज से क्षेत्र सेटार डायरेक्ट से जो रही थे टीचर रही थे अपॉइंटमेंट दे दिजापर जदि देखा कौन फ्रेश कैंडिडेट मान को आई सिलेक्शन कर आई जदि आपर रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर ना जदि अच्छा से मानक जदि एज 65 इयर्स क्रस कर सारी अधिक हो सारी तेज सेटार निश्चित भाव से आपॉइंटमेंट नहीं पारे ना तेज से क्षेत्र में जदि फ्रेश कैंडिडेट आवश्यकता पड़ुंट जदि विशेषकर कह जो कैंडिडेट मैंने मास्टर डिग्री कम्प्लीट कर सारी आपर 55% एग्रीगेट रखी आप्लाई कर सारी तेज आपने फ्रेश सिलेक्शन आप्लाय करेंगे तेज यही फ्रेश सिलेक्शन किभली जाणी रखु यह आपण मानक जहाँकि
कॉलेज जो कॉलेज रे सीट वैकेंसी थी से कॉलेज चाहूब फ्रेश कैंडिडेट तबे से ही कॉलेज प्रत्येक दिन आपर जो ओडिया डेली न्यूज पेपर रही से न्यूज पेपर आपण मानक एडवर्टाइजमेंट पब्लीश कर कारण यह मैंडेटोरी आपण मैंने देखी पाते जेकोसी मेजर गोटे ओडिया डेली न्यूज पेपर आपण मानक एडवर्टाइजमेंट जहाँकि आसव तेणु आपण मैंने जो इंटरेस्टेड अच्छा जेकोसी ओडिया आपण मानक डेली न्यूज पेपर संवाद हो प्रमेय हो कि समाज हो जेकोसी गोटे न्यूज पेपर आपको सबकि चेक करार अच्छे समस्त न्यूज पेपर को डेली बेसिक्रे जी कौन इनट्यूशन कौन गवर्नमेंट कॉलेज रे सीट वैकेंसी थाए गेस्ट फैकल्टी तबे निश्चित भाव से अपॉइंटमेंट आपण मानकर नोटिफिकेशन रिलीज करिबे एवं नोटिफिकेशन रिलीज परे आपण मानकर जो मैं नूतन कैंडिडेट मैंने रही थे आपण मैंने जो मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट करेंगे आपण मानकर जो डेडलाइन रही थी सही कॉलेज पक्षर से नोटिफिकेशन आपण मानक अप्लाई करिबार अच्छे से ही कॉलेज रे एवं अप्लाई करिबा परे जो टाइमलाइन रही थी सही टाइमलाइन अनुसार आपण मानक सिलेक्शन करा जाय आपण को अपॉइंटमेंट दिया जिबो तबे यार संपूर्ण प्रोसेस आपण मैंने जारी रखु कारण आपर एटे आपरियर मार्क रही कारण आपने देखी पाते एटे सबकि स्पष्ट करियर मार्क 60% और भाइब बयस 40% को काल्कुलेट करपइमेंट दिज्व तेज एटे आपने जारी रखु आपर जो रही मेथड अफ सिलेक्शन फ्रेश कैंडिडेट अर्थात जो फ्रेश कैंडिडेट मैंने रही है आपर जो सिलेक्शन प्रोसेस रहा देखी पाते आपण जो सिलेक्शन प्रोसेस रोज जो भाई बयस कर 40% भाई बयस आपर जो रे आपने जो मैंने उपस्थित रही है आप देखी पाते प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज कंसल्टेंट चेयरमैन अर्थात जो कॉलेज गेस्ट फैकल्टी नोटिफिकेशन आसत से ही कॉलेज प्रिंसिपल यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो सब्जेक्ट आप्लाई कर अर्थात जो नोटिफिकेशन आट भैकेंसी आप्लाय कर सब्जेक्टर हेड यापर वन सीनियर टीचर फ्रम अदर डिपार्टमेंट अर्थात यापर अन्य कौन डिपार्टमेंटर एक सीनियर टीचर जहाँकि अवेलेबल रही है इंटरव्यू में यहपर वन सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑफ द सेम कॉलेज अर्थात जड़े सब्जेक्ट एक्सपर्ट आप जो सब्जेक्ट जाइए इंटरव्यू देवाई से ही सब्जेक्टर एक्सपर्ट टीचर सेटर आवेलेबल रे तेज यही भाव चारिजण को नहीं आपर एक जहाँकि कमिटी थी सेठे जाए आपको आपको इंटरव्यू देवार अच्छे और इंटरव्यू पर कैरियर मार्क यह सहित आपंकर भाई बयस जो मार्क रहा आपण मालकुलेट कर आपइंटमेंट दिज्व तेज यह रही संपूर्ण प्रोसेस तेरे यहाँ आपने जारी रखु आपर जो रही आपने देखी पाते कैरियर एंड टीचिंग एक्सप्रेस आपको 60 मार्क रही है भाई बयस जो 40 मार्क रही है यह आपको इनफर्मेसन बर्तमान प्रोवाइड कलु सेटार आपको इंटरव्यू देवा जबार अच्छे जो डेडलाइन रही थी आपको डेली न्यूज फॉलो करार अच्छे न्यूज पेपर फॉलो करार अच्छे जदि नोटिफिकेशन आसूसी कौन इनट्यूशन पक्षर आपड़ से जो डेडलाइन रही थी से डेडलाइन जबार अच्छे से जाए आपको इंटरव्यू देवार अच्छे जदि इंटरव्यू में आपर जो 40 मार्क रही 40 मार्क आपत जो भाई इंटरव्यू देते अनुसार आपको मार्क मिल यहाँ आपण जो कैरियर पर रही है 60 मार्क यह आपड़ देखी पाते किभ भाव काल्कुलेट करेंगे जब PhD कौन छात्र छात्री कम्प्लीट करेंगे से रही है 8 मार्क और जब नेट कम्प्लीट करेंगे ये रही है 6 मार्क जब MPhil कम्प्लीट करेंगे ये रही है 4 मार्क्स जब आपने MA MSc कि MCOM कम्प्लीट कर फर्स्ट डिविजन में तेज 10 मार्क और सेकेंड डिविजन में कम्प्लीट करते 8 मार्क ठीक से ही भाव BA BSc BCOM अनर्स रखी जब आपने फर्स्ट डिविजन में पास होती तेज ए रही है 8 मार्क और जब सेकेंड डिविजन में पास होती 5 मार्क डिस्टिंक्शन थे 2 मार्क्स यापर जब BA BSc BCOM पास रे पास आउट करती कौन कैंडिडेट तेज आपड़ फर्स्ट डिविजन में पास आउट करती तेज आपर 4 मार्क जहाँकि आपरियर मार्क आड हे और सेकेंड डिविजन में पास आउट करते 3 मार्क्स और डिस्टिंक्शन थे 2 मार्क्स यही भाव कैरियर मार्क आड हे यापर प्लस टू इक्विवेलेंट डिग्री जब आपने प्लस टू फर्स्ट डिविजन रखी पास होती तेज आपँक 3 मार्क मिल जदि सेकेंड डिविजन 3 मार्क रही ठीक से ही भाव जहाँकि 10th आपड़ी फर्स्ट डिविजन रखिंट 3 मार्क्स सेकेंड डिविजन रखी थे 2 मार्क्स यहाँ आपण मैंने देखी पाते टीचिंग एक्सपीरियंस जहाँकि रही 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर अर्थात आपर जब वर्षक एक्सपीरियंस रही तेज 2 मार्क आपको मिल यही भाव आपड़ जिते बर्ष एक्सपीरियंस थी 2 लेखाएं मार्क आपर काल्कुलेट हे कि सर्वमोट जहाँकि मैक्सीम आप देखी पाते 10 मार्क्स रही अर्थात जदि जड़े छात्र 5 वर्ष एक्सपीरियंस रखिंट तेज आपको 10 मार्क मिल जदि 6 वर्ष 7 वर्ष अधिक रखिंट आपको सेम 10 मार्क ही मिल जहाँकि टीचिंग एक्सपीरियंस तेज यही भाव सर्वमोट समस्त मार्क को मिसाइले आपण मानक मार्क 60 मार्क अर्थात 60 मार्क रुदाय आपर जहाँकि क्वालिफिकेशन अर्थात आपर कैरियर एंड टीचिंग एक्सपीरियंस मार्क तेज एठार आपने जो भी भाव डिविजन में पास आउट करेंगे से ही अनुसार आपको मार्क मिल तेज यहाँ आपर जो रही भाई बयस मार्किंग यहाँ 40 मार्क्स आम जो भाव आपको इनफर्मेसन प्रोवाइड कर
कलु तेब यापर मैंने जा रखु आपण मैंने सबुर जी क्वाफाई करपइमेंट मिल जाऊँगी तेज यापर आप जो दुई वर्ष रे सालेरी कौन रपण मैंने देखी पाते पर क्लास आपन को 500 मिल अर्थात 500 टंका मिल प्रति क्लास को एवं प्रति क्लास रहिबो 45 मिनिटर क्लास 45 मिनिटर गोटे क्लास ने आपन को 500 टंका मिल तेबे एही भाव सर्वमोट मासक आपण मैंने 50 टी क्लास ही नहीं पारे तेबे जदि कैलकुलेट करा जाए तेबे पर मंथ आपण मैंने 25,000 इनकम करिपर अर्थात 25,000 आपन को मिल तेबे यापर आपने जा रखु आपणकर जो रही संपूर्ण प्रोसेस आपण मानक ये जो प्रक्रिया रही रही संपूर्ण टेम्पोरारी अर्थात आपण मानक परमानेंट नुहे टेम्पोरारी जेकोसी मुहूर्त में जदि कौन प्रकार आपण मान देखा कि आपण मैंने जो वर्तमान समय अपॉइंटमेंट नहीं जो परफॉर्मेंस रही है जब अनसैटिस्फैक्टरी रही तेज से क्षेत्र में आपण मानक गोटे मस नोटिस आपण मानक जहाँकि काढ़ी दि जाए अर्थात आपण मानक जो रही अपॉइंटमेंट लेटर यह कैंसल कर दि जाए तेणु यह को ध्यान देवार अच्छे तेज यही भाव रही संपूर्ण अपडेट जहाँकि वर्तमान समय हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पक्ष नोटिफिकेशन आसी सारी आपर गेस्ट फैकल्टी को नहीं भाव जी आम कह वर्तमान समय अपॉइंटमेंट आपर जो रही संपूर्ण प्रोसेस आम एटे आपको इनफर्मेशन प्रोवाइड कलु जदि कौन प्रकार सन्देह रही डाउट रही मन में आपण मैंने अपॉइंटमेंट को नहीं अर्थात आपण मैंने गेस्ट फैकल्टी को नहीं निश्चित भाव कमेंट करूँ आम चेस्ट करूँ परवर्त समय एक स्वतंत्र वीडियो प्रोवाइड करने कि जाने रखु आपण मानक जो संपूर्ण प्रोसेस रही आम जो भी इनफर्म कलु आपर डेली आपण जो मेजर डेली न्यूज पेपर रही है एडवर्टाइजमेंट आसो तेणु आपण मैंने समस्त न्यूज पेपर को फॉलो करूँ जो कॉलेज भी जहाँ आपण मानक गेस्ट फैकल्टी आवश्यकता थी एडवर्टाइजमेंट निश्चित आसो से डेडलाइन प्रोवाइड कराइडलाइन जा ही आपको पहुँचवार अच्छे प्रायत बहुत गुड़े कलेज आसारे आउ जो कलेज थी बर्तमान समय गेस्ट फैकल्टी आवश्यकता थी निश्चित भाव नोटिफिकेशन आसो और नोटिफिकेशन आसा पर आप निश्चित भाव से अप्लाई करें निश्चित भाव से अपॉइंटमेंट मिल पार तेणु आपण मैंने वर्तमान समय न्यूज पेपर ही फॉलो करूँ तेज यही भाव वर्तमान समय संपूर्ण अपडेट आपर गेस्ट फैकल्टी को नहीं तेज यह मन कौन प्रकार डाउट रोचे निश्चित भाव कमेंट करूँ। थैंक यू।